मैं खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो हेलो गाइस, मैं हूँ राज। आप सभी लोग देख रहे हो सुपर टॉक्सिस यूट्यूब चैनल की और एक न्यू वीडियो के। आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। तो गाइस, आज हम लोग जिस तरह के एक न्यू प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, मतलब इसका नाम है होम मेड इमरजेंसी लाइट। इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी पर्पस है, मैंने खुद के हाथों से इसको बनाया, ठीक है। मतलब इस तरह की के जो एक बॉक्स फ्रेम है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने खुद के हाथों से बनाया, ठीक है। और ये वर्क भी करते हैं, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये एक पोटेंशियल मीटर, ठीक है, तो इसको घुमाऊंगा तो ये लाइट जल जाएगा और बहुत ही ज्यादा ही पावर देता है, देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल है, ठीक है। तो और इस तरह के एक होममेड लाइट बनाने के लिए मेरे को 100 रुपीस खर्च करना पड़ा। तो आप सभी लोग इस तरह के एक इमरजेंसी लाइट मार्केट से खरीदने जाओगे तो आपको लगभग 500 रुपया तो लग जाएगा, ठीक है, जो भी है, छोटा बड़ा जो भी है, 500 रुपया तो लग जाएगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं 400 रुपया सेविंग करके दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इस तरह के एक लाइट बना के आपको मम्मी पापा को रिप्रेजेंट करो, देख लेना, वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाएगा। तो गाइस, बिना बात के वीडियो को शुरू करते, ठीक है। तो आप सभी लोग देखते जाओ मैं कैसे इसको बनाता हूँ। आज की जो गाइस एक्सपेरिमेंट है, मतलब आज कुछ हम लोग एक अनोखा चीज बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे घर के अंदर जो इमरजेंसी लाइट होता है, तो उस लाइट के अंदर मुझको ये मिला, ठीक है, क्योंकि वो लाइट पूरा बेकार हो गया था, तो उसको फेंकने की जगह मैं इसको खोल लिया, ठीक है, क्योंकि और भी एक इमरजेंसी लाइट बनाऊंगा। तो बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे मेन जो चीज है गाइस, वो है LED, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर है कुछ इस तरह की PVC पाइप का सीट, ठीक है, और तीसरे नंबर तक है इस बोतल, ठीक है। इस बोतल को काट के इसके अंदर इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। और हमारे आते गए कुछ इस तरह के एक लिथियम की बैटरी, ठीक है, देख ही सकते हो गए लिथियम की बैटरी। पोटेंशियल मीटर मतलब ये लाइट को अप डाउन करेगा, वॉल्यूम को, देख ही सकते हो। तो मैं इसको कैसे कनेक्ट करूँ आप सब लोग देखते जाओ। और जो मेन चीज है गाइस, वो देख ही सकते हो गाइस, ये इंडिकेटर, लाइट इंडिकेटर। जब इसको मैं चार्ज करूंगा तब इंडिकेटर ये रेड लाइट जल जाएगा, ठीक है, मतलब मेरा बैटरी अभी चार्ज हो रहा है। तो देख ही सकते हो गाइस इधर कैसे मैंने सेटिंग किया, देख सकते हो रजिस्टर डाइट, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ आप सभी लोग देखते जाओ, और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे, और चैनल पर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और गाइस, इसका जो डायमेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ स्केल की सहायता से, ठीक है। तो इसका डायमेंशन गाइस देख ही सकते हो गाइस, डायमेंशन कितना है, ठीक है। इधर 8 रखा है और 8 सेंटीमीटर, और इधर रखा है गाइस 13.3, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन है मैं दिखा देता हूँ, इसका भी डायमेंशन गाइस आप सब लोग देख ही सकते हो, ठीक है, और इस तरह के भी दिखा देता हूँ। और भी दो डायमेंशन है गाइस, सकते हो इसका डायमेंशन मैंने कितना रखा है, 13.4, और इधर रखा है गाइस 4.3, ठीक है। तो आपको डायमेंशन पता लग गया, तो मेरे तरह ही आप करना घर में, बहुत ही इजी और बहुत ही लो रेट में आपको ऐसे तरह के इमरजेंसी लाइट मिलेगा, क्योंकि मार्केट से आप खरीदने जाओगे तो आपको लगभग 500 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे तरह ही करोगे आपको 200 रुपये में इस तरह की एक इमरजेंसी लाइट मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो बनते जाओ और चैनल पर नहीं जल्दी सब्सक्राइब कर देना।
तो गाइस इधर देख ही सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन के इस तरफ है गाइस, मतलब पॉजिटिव वायर ठीक है। बैटरी के जो बैटरी जब लाइट जब इधर से गाइस जब मैं इसको चार्ज करूंगा तब इसके अंदर जो गाइस देख सकते हो रेड वाला का एक लाइट है वो इंडिकेट लाइट है ठीक है। जब मैं इसको चार्ज करूंगा तब ये लाइट जल जाएगा ठीक है। तो इसको कैसे मैंने लगाया आपको दिखाता हूँ ठीक है गाइस। तो देख ही सकते हो गाइस ये है चार्ज की, ये है प्लस वायर मतलब पॉजिटिव वायर है नेगेटिव वायर ठीक है। तो पॉजिटिव वायर को मैं रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ देता हूँ ठीक है, और बैटरी की भी प्लस वायर को इधर जोड़ के एक साथ सोल्डरिंग करूंगा ठीक है गाइस। देख ही सकते हो ठीक है। तो गाइस देख लो गाइस आप सभी लोग मेरे ही तरह ही आप सभी लोग करना ठीक है, नहीं तो आपको भी गलत हो सकता है ठीक है। तो देख सकते हो इधर रजिस्ट्रेशन के साथ मैं इसको जोड़ देता हूँ ठीक है। तो अब इसको गाइस सोल्डरिंग करूंगा ठीक है। अब बढ़िया सोल्डरिंग करने के तो पहले मैं जोड़ देता हूँ, और ये है गाइस इसका नेगेटिव वायर ठीक है, जो चार्ज की नेगेटिव वायर। तो इसको डायरेक्ट को पास मतलब इस लाइट के पहले ही लगाना पड़ेगा, मतलब इधर लगाना पड़ेगा ठीक है, इधर नहीं गाइस इधर लगाना पड़ेगा, और चार्ज के इधर लगाना पड़ेगा ठीक है। तब आपके बैटरी के साथ चार्ज आएगा तब ये चार्ज है रिचार्जेबल होगा, परंतु चार्ज इधर से जब इसको जब बाहर निकाल दोगे तब ये लाइट नहीं जलेगा, इसका मतलब है ठीक है। तो देखते जाओ गाइस मैं सोल्डरिंग करता हूँ, देखते जाओ। गाइस देख सकते हो इधर ग्लू से मैं इसको चिपका दिया हूँ ठीक है, बैटरी को भी चिपका दिया होगा गाइस देख सकते हो गाइस। तो अब बढ़िया गाइस इसको क्लोज करने के ठीक है, अगर इस मिलते हैं गाइस इसको क्लोज करने के बाद ठीक है। तो गाइस हमारा लाइट बन के तैयार हो गया गाइस, देख ही सकते हो कैसा एक धमाकेदार लाइट मैंने बना के दिखाया था ठीक है। तो गाइस इधर थोड़ा हमारा कुछ सैंड पेपर घस कर लेना चाहिए था ठीक है, तो इधर फिर भी कोई नहीं लगा है तो थोड़ा छेद दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। तो गाइस आप बढ़िया गाइस इसको चलाने के लिए ठीक है, गाइस देख ही सकते हो कितना पावरफुल है गाइस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल है देख ही सकते हो। और मैंने इसके अंदर जो चीज़ यूज़ किया है गाइस सब कुछ होममेड है ठीक है। और इसको चलो चार्ज करके दिखाते हो गाइस, इंडिकेटर लाइट भी चार्ज करके दिखाना पड़ेगा ठीक है, दिखाने के लिए ठीक है कैसे चार्ज होता है गाइस ठीक है, इंडिकेटर लाइट कैसे चलता है। तो अभी मेरा हाथ में गाइस चार्ज ठीक है, तो इसके अंदर इसको पुश करना पड़ेगा ठीक है। तो गाइस देख लिया गाइस अभी जल गया लाइट ठीक है, इसको खोल दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, अभी इसको लगा दूंगा तो ये चार्ज हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोग सुस्त रहना सलामत रहना और मेरे लिए भी दुआ करना, और इस चैनल पर नया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस क्या कर रहे हो। तो गाइस जय हिंद जय भारत।